आज की फ्रेज है नथिंग सॉर्ट ऑफ, जिसका हिंदी मतलब होता है इससे कम नहीं। और इसका यूज़ करके हम जो है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही अच्छे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। तो हम अब यहाँ पर नथिंग सॉर्ट ऑफ का यूज़ करेंगे और इसे बनाएंगे, जैसे यू आर नथिंग सॉर्ट ऑफ ट्रबल। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इस पेड़ से कूदना किसी आत्महत्या से कम नहीं है। टू जंप ऑफ दिस ट्री इज नथिंग सॉर्ट ऑफ सुसाइड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी मुसीबत से कम नहीं है। योर गर्लफ्रेंड इज नथिंग सॉर्ट ऑफ ट्रबल। तुम्हारा निर्णय किसी मूर्खता से कम नहीं है। योर डिसीजन इज नथिंग सॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी। आज की दूसरी फ्रेज है आउट ऑफ नोवेयर, जिसका मतलब होता है न जाने कहाँ से। तो चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम स्कूल जा ही रहे थे, न जाने कहाँ से बारिश होने लगी। वी वर गोइंग टू स्कूल, आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। हम खेत में काम कर ही रहे थे, न जाने कहाँ से एक शेर आ गया। वी वर वर्किंग इन द फील्ड, आउट ऑफ नोवेयर अ लायन अपीयर्ड। आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था, न जाने कहाँ से उसका भाई आ गया। टुडे आई वॉज गोइंग टू प्रपोज माई गर्लफ्रेंड, आउट ऑफ नोवेयर हर ब्रदर केम।